हेलो तो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी आपका भाई आ गया दोस्तों मुजफ्फरनगर ट्रांसपोर्ट नगर। दोस्तों रात के 4 बजे सोया था, 4 बजे के बाद ही सोया था। उसके बाद आपका भाई 7 बजे उठ गया था। अभी मैं मुजफ्फरनगर अपनी गाड़ी लेके आया हूँ दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर पे फरमान मिस्त्री के पास। यहाँ फरमान मिस्त्री है, बहुत बड़ा मिस्त्री है दोस्तों। उनके पास आए थे, चक्के ग्रीस कराने आए थे। वो चक्के ग्रीस तो होएंगे नहीं दोस्तों, वो जो घोड़े का जो टायर रहता है ना, जो घोड़े का टायर रहता है उसमें सील फट गया ना दोस्तों, वो करेंगे बस ठीक। बाकी देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। पहले दोस्तों नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लग रही है। रात के 4 बजे तक गाड़ी चलाई थी तो सौरभ भी होटल में बैठा है, चलते हैं आज कुछ नया खाते हैं दोस्तों। परौंठे और खीर खाने वाला है आज आपका भाई, चलते हैं दोस्तों। ये अपना ढाबा हो जाता है ट्रांसपोर्ट नगर का और बहुत बढ़िया ढाबा है दोस्तों। खाना भी बहुत फिक्स बढ़िया रेट पे मिल जाता है और एक स्वाद खाने में ताज़ा खाना मिलता है आपको इस ढाबे पे। चलते हैं दोस्तों। वो देखो सौरभ वहाँ मोबाइल चला रहा है। और फाइनली दोस्तों आपका भाई आ गया ढाबे पे और ये देखो हमारा खाना जो होने वाला है भयंकर होने वाला है। अब इधर शकल तो दिखा दे सड़ी दोस्तों। आज हमारे साथ खाने में आलू के परौंठे प्लस खीर प्लस दाल और अभी चाय आने वाली है। चाय आने वाली है ना, मुंडी तो हिला देगा। इसको बोलते हैं परांठे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परांठे। और दोस्तों आपके भाई का हो गया नाश्ता और चलने हैं सौरभ भाई और मैं गाड़ी पे। और दोस्तों हमारा बिल हुआ 140 का और हमने खाया क्या क्या है, 2 परांठे प्लस 1 खीर प्लस 2 चाय। देख रहे हो दोस्तों कितना मंदा है हमारे मुजफ्फरनगर में। और खाना एक नंबर का है दोस्तों, एक नंबर जिसे बोलते हैं। फाइनली दोस्तों आपके भाई के चक्कों का काम स्टार्ट हो गया है। सारे ही होंगे दोस्तों, अब नाश्ता करने के बाद हमें पता लगा है ये सारे चक्के ग्रीस होंगे। ठीक है दोस्तों, लगते हैं काम पे। बड़ा बैरिंग है, ये छोटा बैरिंग है और ये पता नहीं क्या है। देखो भाई ये लेदर है और ये ग्रीस की बाल्टी है। हाथ पकड़ के दिखाना। अरे ये लेदर है यार दोस्तों, ये लेदर है। ठीक है, क्या काम होता है बताओ पूरा डिटेल में, क्या काम होता है भाई? सब बता, ये ऐसे कैसे चलेगा? ये इससे दोस्तों ब्रेक लगते हैं, यही है जो मेन पार्ट है गाड़ी का लेदर। ये बैरिंग है, वो चकलेट है सबसे ऊपर वाला, पूरा घुमा राउंड पे राउंड। भाई हफ में भर रहे हैं ग्रीस, अब आ जाएगी तभी तो मेरे को वो लगाना पड़ेगा। और ये देखो दोस्तों निकलने वाला है सीएल। और ये देखो भाई क्या निकला, क्लियरिटी नहीं है फोन की भाई। हैं भैया, बड़े भाई खड़े हो, बड़े भैया खड़े हो, गरीब गांव वाले ना, क्लियरिटी नहीं है कैमरा पता नहीं क्यों चला। पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है भाई आज, जोरों शोरों से चल रहा है काम। हाँ पूरा जोरों शोरों से। देखो भाई ये लेके ये खाज होते ना कुछ लोगों के, वाली खाज है इसकी। ये देख लो भाई फ्रंट एक्सल पे जैक लगा दिया आपके भाई ने। फाइनल टायर है दोस्तों ये मेरा ग्रीस का, सारे टायर करवा दिए ग्रीस। ये बड़ा बैरिंग है दोस्तों और ये छोटा बैरिंग है, देख रहे हो दोस्तों बहुत महंगी चीज़ है ये, बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी का। और ये जो इसमें ग्रीस निकलता है ना दोस्तों, ये आप अपनी बाल्टी में लेके ऐसे पिनों में करा सकते हो। और आपके भाई ने दोस्तों सारे चक्के ग्रीस करवा दिए सारे, मतलब सुबह 7 बजे लगा था। देखो ये भी हो गया और ये जो चक्के का है ना दोस्तों, ये वाला जो दूसरा टायर है ये देख रहे हो, इसका बैरिंग थोड़ा डैमेज था, वो नया डलवा दिया और ये पुराना निकला। देखो ये
पुराना बैरिंग निकला, ख़राब हो गया दोस्तों। और भाई ये भी कंप्लीट हो गया, लास्ट वाला भी, उधर के सारे कंप्लीट हैं। और ये हमारा रह गया दोस्तों लास्ट चक्का, जो अब ग्रीस हो रहा है। फाइनली दोस्तों आपके भाई की सारी गाड़ी में चक्के ग्रीस हो गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ और भैया से पूछेंगे भाई कैसे कैसे क्या क्या काम रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा बैरिंग, जितनी मेरे को डीप नॉलेज है मैं बता देता हूँ, छोटा बैरिंग और बड़ा बैरिंग, ठीक है। और ये कटोरा हो जाता है दोस्तों, और ये सीम हो जाती है, और ये हो जाता चकनट हो जाता है दोस्तों, और ये लोग वार्सल हो जाती है भाई, ठीक है दोस्तों। और ये लॉक है, ठीक है दोस्तों, जितना पता हो बता दिया। और ये भाई अपनी हो जाती सील, एल सील, ठीक है दोस्तों। और ये डैमेज हो जाता है ना दोस्तों, जब ये अपना ये डैमेज हो जाता है बैरिंग, तो ये कितने का आता है भाई? कम से कम 1700-1800 ओरिजिनल टाटा का नहीं, मिलेगा 2022। अच्छा, और ये जैसे चक्के ग्रीस करे इसमें दिहाड़ी कितनी लग जाती है, मतलब एक चक्के के 200 रुपए की सर्विस है भाई एक चक्के की। और कितने किलो ग्रीस लग गया हमारी गाड़ी में? 10 किलो ग्रीस लग गया। और एक बैरिंग डैमेज था ना। हाँ, एक बैरिंग डैमेज, देख लो पीछे का, देख रहे भाई पसीने में पूरे भीग गए भाई हमारे। और ये भी उनके हेल्पर भाई, देख रहे हो मेहनत भाई, ड्राइवर ही मेहनत नहीं करते, मतलब मिस्त्री बहुत मेहनत करते हैं। ये होती है दोस्तों असली लाइफ, ये ड्राइवर की असली लाइफ होती है, प्लस मिस्त्री भी बहुत मेहनत करते हैं। और दोस्तों ये जो पुराना ग्रीस है ना, ये हमारे काम आ जाएगा। ये देखो मैंने अपनी बाल्टी में डलवा लिया, ये काम आएगा पिनों में। कितने घंटे काम करते हो आप? 12 से 14 घंटे का। तो से देख लो भाई, बैरिंग धुल रहे हैं, बैरिंग ये सारे सब कुछ सामान धुलेगा दोस्तों, डीजल से धुलता है, मट्टी तेल से भी धुलता है दोस्तों, पर हमारे पास डीजल है, मट्टी तेल हमें मिला नहीं। तो अभी इसे धो के फिट किया जाएगा, इसमें फिटिंग के टाइम पे मिलता हूँ दोस्तों। अभी फिटिंग नहीं हो रही है, फिटिंग दिखाता हूँ मैं कैसे होगी फिटिंग। ग्रीस लोड कर रहे हैं बैरिंग भाई, अभी देख लो कटोरा भाई, काम हो गया अपना ओके, चक्के सारे ग्रीस हो गए हैं। अब करवा रहे हैं दोस्तों हम फिल्टर लगवा रहे हैं दोस्तों, तेरे को तो लेने का ही नहीं मैं। ये दोस्तों हमारी गाड़ी में यूरिया के फिल्टर लगने वाले हैं, अभी इनका नुकसान होने वाला है, अभी ये दोनों पाइप टूटने वाले हैं, पहले एजेंसी जाएगी वहाँ देखेंगे। यूरिया के फिल्टर लगा यार तू लौंडे, बढ़िया करके काम कर। और दोस्तों हम करवा रहे हैं फिल्टर चेंज यूरिया के, ना हमने घरे लाइटिंग चेंज करा दोस्तों, फिल्टर चेंज करा रहे हैं, यूरिया के फिल्टर हैं, एवरेज कम वेट थी गाड़ी, खिंचाई कम कर रही थी, पूरी भाग रही थी, काम का नुकसान करने में लगा बड़ा मालिक का मतलब। ये बहुत महंगे हैं, 100 के 2 पीठ में मिल रहे, 100 रुपए के 2 महंगे मूंगे, कहीं नहीं मालिक का नुकसान कर रहा। अरे बहुत महंगे दोस्तों, 1500-2000 का दोस्तों, 100 रुपए का है, बका रहा था मैं अपने वो बनाने को, पहले बना देगा दोस्तों। ये 6000 का फिल्टर है, देख लो रेट, देख लो कहाँ है रेट, ये देख 1550 है, ठीक है दोस्तों। यूरिया के फिल्टर चेंज कराते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपको यूरिया। दोस्तों आपका भाई निकल गया, मुझे फंड कर दें, ब्रेक भी मिलवा ली है अभी दोस्तों, ब्रेक ना थोड़े कम काम करेंगे, क्योंकि लेदरों पे थोड़ा ऑयल लग गया है, ग्रीस लग गया है ना, ग्रीस और सीएल लग गया है, इसलिए लेदर कम काम करेंगे। अभी आगे ढाबे पे रुकेंगे दोस्तों, 4 बज गए हैं काम कराते कराते, खाना खाएंगे और नहाएंगे धोएंगे। पहले दोस्तों खाना खाऊंगा, भूख लग रही बड़ी तगड़ी, हालात भी कुत्ते ऐसी हो रही दोस्तों, अकेले बंदा क्या करेगा दोस्तों, कोई लड़का रखना पड़ेगा बढ़िया। वही देखो दोस्तों मुजफ्फरनगर का ट्रैफिक, और देखो भाई यहाँ से होना राइट, और अब यहाँ से भी राइट होना है हमें शामली, यहाँ से दोस्तों सीधा शामली जाएंगे, शामली से करनाल, और करनाल से जाएंगे दोस्तों हम पंजाब गोविंदगढ़ मंडी। पर अभी तो हमारा दोस्तों ब्रेक लगेगा, देखो भाई दोस्तों
अपना काम कराया देखो, मतलब पूरी रात गाड़ी चलाई आपके भाई ने। 4:30 बजे सोया, 6 बजे पिछवाड़े पे लात मार दी और फिर उठ गया, फिर काम करवाया, 4 बज गए काम कराते कराते। और फाइनली दोस्तों आ गए आपके भाई ढाबे पे, अपना ही ढाबा है मुजफ्फरनगर में, अपना ही ढाबा है दोस्त। ठीक है दोस्तों, आगे रोटी खा के आता हूँ, बाद में नहाऊंगा दोस्तों, अभी भूख लग रही है बहुत तगड़ी, पहले खाना खाते हैं जाके। और सौरभ तो सो रहा है, या तो टूट गया है, गिर गया इसका भी। ठीक है दोस्तों, पहले आते हैं खाना खाते हैं फिर सोते हैं, उसके बाद मिलूंगा मैं आपको। भाई गाड़ी में आ गया है, खाना वाना खा के, और अब थोड़ी देर लेटते हैं, बहुत थक गया है भाई, क्या पता सो ही जाएँ, देखते हैं कितने बजे उठते हैं। ठीक है, तो आपका भाई नहा धो के ढाबे से निकल गया है, मस्त हो गया, भूख लग रही थी, अब क्या करते हैं, ढाबे पे खाना नहीं खाया, इतनी भी नहीं लग रही थी, मतलब सोचा कि भाई सफ़र काट लेते हैं, अब पंजाब जाना है दोस्तों, पंजाब यहाँ से दोस्तों हमारा पड़ जाएगा 150 के लगभग होगा, 150-200 के लगभग, जहाँ हमें जाना है पंजाब गोविंदगढ़। सारा दोस्त हो गया, मैं जस्ट उठा दोस्तों 12 बजे उठा और नहा धोया, 1 बजे निकल गया ढाबे से, अब गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत थक गया था, पूरा शरीर टूट रखा था, मतलब सो के बस अभी उठा जस्ट। मैंने सबसे पहले नहाया ठंडे ठंडे पानी में, बड़ा मज़ा आया नहाने में, वो भी चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सुबह मिलूंगा मैं आपको पंजाब गोविंदगढ़, अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं एंड करते हैं, जैसे आपका भाई बिल्कुल थक चुका था और अब बिल्कुल फ्रेश हो गया, मस्त हो गया है, सारे छक्के ग्रीस कराए थे दोस्तों टोटल, एक भी खुद अकेले ने जैक भी लगाना, ग्रीस भी कराना। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, सबको प्यारी से गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सबको जय श्री राम, बाय बाय।